मास्टर कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन होते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखे वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं, व्याकुलते के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। तो यहां पर श्री रामकृष्ण ने कहा, वो जो गीत है वो गाकर सुनाया श्री रामकृष्ण ने गा करके, कि डाकरे मत डाकार मतो केमोन श्यामा थाकते पारे केमोन काली थाकते पारे, डाकरे मन डाकार मतोन। बंगाली में कहते हैं डाको, डाको माने पुकारो, तो पुकारने के समान पुकारना चाहिए। तो फिर श्यामा कैसे रह सकती है? तू सच्ची व्याकुल के साथ पुकार कर तो देख, भला देखे वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तो दो प्रकार का पुकारना होता है, एक पुकारने के समान पुकारना और एक ऐसे ही पुकारना। हम लोग भी ये जानते हैं कि हमने निमंत्रण पत्र दिया तो निमंत्रण देना चाहिए, इसलिए निमंत्रण दे दिया। क्या करें, शिष्टाचार की खातिर निमंत्रण देना चाहिए ताकि बाद में वो हमको न कहे भाई आपने तो हमको निमंत्रण नहीं दिया था, सबको निमंत्रण दिया, परंतु कोई विशेष इस प्रकार की हमारी इच्छा नहीं कि वो आए, परंतु हमने निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण दे दिया। परंतु जहां हमें आवश्यकता है कि नहीं उनका आना तो बहुत आवश्यक है, तो केवल निमंत्रण पत्र हम लिख कर नहीं भेजते, टेलीफोन करते हैं आप आने वाले हैं कि नहीं, गाड़ी भेजू क्या, कोई आपको असुविधा तो नहीं होगी एड्रेस खोजने में। इस प्रकार से हम उसको कंफर्म करते हैं, मानो व्याकुलता पूर्वक उनको बोलते हैं नहीं नहीं आपका आना बहुत आवश्यक है, आपके बिना तो यह चलेगा ही नहीं फंक्शन। तो यह है डाकार मतोन, डाकरे मत मन डाकार मतोन केमोन श्यामा थाकते पारे केमोन काली थाकते पारे। यदि तुम पुकारने के समान मां को पुकारोगे तो मां काली रह नहीं सकती, अब उससे अवश्य आना पड़ेगा, पर पुकारने के समान पुकारना पड़ेगा। पुकारने के समान पुकारने का मतलब होता है व्याकुलता पूर्वक पुकारना पड़ेगा, तो यह व्याकुलता नहीं आती है। असली बात यही है, श्री रामकृष्ण देव कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो देखिए श्री रामकृष्ण देव ने इतना नहीं कहा कि इतने वर्षों तक फलाहार करते हुए या अनाहार रहते हुए या एक पैर में खड़े रह करके इतनी तपस्या करने के बाद ईश्वर के दर्शन होते, कुछ नहीं, कितना सरल कर दिया कलयुग के लिए। एक अन्य जगह पर कहते हैं यदि कोई 3 दिन 3 रात ईश्वर के लिए रो दे तो उसको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। 3 दिन 3 रात कितने वर्षों की हमारी उम्र, और एक साल में 365 दिन और 365 रातें, केवल 3 दिन 3 रात रोने की बात है, पर 3 दिन 3 रात रोना हमको लगता है कि तो बहुत सरल उपाय बताया, पर वो ईश्वर के लिए रोना नहीं आता, बाकी सबके लिए रोना आता है। उसके लिए ग्लिसरीन लगाए तो ग्लिसरीन लगा के कितना रो सकते हैं, वो तो ड्रामा में तो थोड़ी देर के लिए रोते हैं, उसके बाद तो ड्रामा करने के बावजूद भी तो भीतर से कुछ आना चाहिए। तो यह व्याकुलता, श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुलता ही इस ये कलयुग के लिए, बस इतना कहा व्याकुलता पूर्वक पुकारो तो ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अन्य जगह पर श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा है, वह मां को, छोटा बच्चा रोता है, बहुत रो रहा है, अब मां तो बहुत व्यस्त है, उसको कितने सारे काम है, तो मां ने क्या कहा, मां ने क्या किया, कैडबरी चॉकलेट उसको दे दी, बस तो रोना धोना बंद, अपना बढ़िया चॉकलेट खा रहा है और आनंद से। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर रोना शुरू किया, चॉकलेट दे दिया तो फेंक दी, दूध दिया बॉटल फेंक दी, तब उसने क्या किया, अच्छा सा जापानीज डॉल लाई थी, खिलौना लाए थे, और खिलौना चाबी वाला पों बोला म्यूजिक बजता है ऐसा दे दिया,
वो बच्चा खेलने लग गया, आवाज निकलती है, खेलने में मस्त हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से रोना शुरू किया। अब मां को तो अभी भी रसोई बनाना बाकी है, दूसरा कोई है नहीं, तो खिलौना दिया, खिलौना फेंक दिया, और उसके बाद में खाना दिया तो खाना भी फेंक दिया और जोर से रोना शुरू किया। अपने पूरे, उसके पास तो एक ही पुरुषार्थ है, दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, रोना। ऐसा रोना शुरू किया कि मां को फिर बाद में रसोई वसोई सब छोड़ करके उसको गोद में लेना ही पड़ा, और कोई उपाय नहीं, उसको लेना ही पड़ा। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं जब कोई पुकारने लगता है मां को, तो मां क्या करती है, तुरंत एक छोटी सी मिठाई दे दी। हम लोग भी खुश हो गए, वाह चलो बहुत अच्छा है, अरे मैं तो थोड़ा सा दो ही दिन भगवान का नाम लिया, तुरंत मेरे को प्रमोशन मिल गया, बस अब तो हम लोग घूमने जाने वाले हैं एकदम सरस, बहुत बढ़िया एरोप्लेन में, अभी तो बहुत अच्छा चीप रेट पे आ गए हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन बस घूमने जा रहे हैं, तो बस बहुत बढ़िया मजा आ गया। दो दिन पुकारा, उसके बाद में जहां ये प्रमोशन मिला और थोड़ा एयर जर्नी हो, सब खत्म। फिर थोड़ी देर बाद फिर से कुछ वक्त बाद फिर से शुरू किया, तो दूसरा कुछ दे दिया खिलौने के बदले में, कुछ दूसरा खाना दे दिया तो खिलौने दे दिया। ये हम सबकी यह कथा है, परंतु श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सचमुच में मां के दर्शन की व्याकुलता आती है, तो जहां व्याकुलता आई तो बस उसके बाद फिर देर नहीं है, व्याकुलता आने में ही देर है, व्याकुलता आना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। पर एक बार व्याकुलता आ गई तो समझ जाइए, श्री रामकृष्ण कहते हैं यदि व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई, सुबह की ललाई छा गई मतलब अब सूर्य निकलने ही वाला है, शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं, व्याकुलते के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देखो व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं, स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसू की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए लोग रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है। यह तो बात सच है, हम लोग संसार में देखते हैं कि ईश्वर के दर्शन नहीं हुए इसलिए कोई रोने वाले बहुत कम मिलते हैं, पर हाँ ये मिला। कितने बच्चे आते हैं अब 12th साइंस में, कुछ परसेंटेज कम मिला और कितना रोना, अरे भाई क्या हो गया, 2% कम हो गया, नहीं मेरा मेडिकल में तो एडमिशन होगा ही नहीं, मेरा तो बहुत एम्बिशन थी, अब मेरा जिंदगी जहर हो गया, मुझे तो अब सुसाइड करना है, इतना रोना रोना रोना, एक 2% कम मिला उसमें इतना रोना, जितना रोना वो 2% कम मिला उतना रोना, को यदि ईश्वर के लिए रो दे तो तुरंत ईश्वर के दर्शन हो जाएगी, पर नहीं उसके लिए रोना नहीं आता। 2% कम मिला या किसी को नुकसान हो गया बिजनेस में, शेयर मार्केट में लिया था, बहुत शेयर मार्केट चल रहा है, अचानक ठप हो गया, बस एकदम रोना धोना शुरू, अरे क्या करें, मैंने तो इतना सब निकाले, इतना रख के रखा था, पूरा बर्बाद हो गया, मुझे तो मेरी गाड़ी और सब मकान सब बेचना पड़ेगा, हाय 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 करके रोना शुरू कर दिया। पैसे के लिए लोग रोते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसू की धारा बहाते हैं। देखिए मां यदि बच्चा यदि कुछ हो गया, कुछ हो गया है नहीं, वहां पर संकट मोचन मंदिर में बॉम्ब गिरा, अरे मेरा लड़का तो बनारस गया था, अरे पहले खबर ले तो, रोना शुरू, अरे पर अभी पहले खबर तो ले, वो संकट मोचन दर्शन करने गया था कि नहीं, वो तो बनारस गया था बिजनेस के काम से, नहीं नहीं नहीं, जब तक वहां से खबर नहीं आई तब तक रो रही है, खाना पीना छोड़ दिया, जब खबर आई अरे वो तो उसके पहले दिन वो बनारस से निकल गया था दिल्ली के लिए, चलो अब खाना शुरू। मां का हृदय है लड़के के लिए कितनी रोती है, खबर नहीं आई है अभी तो, पर फिर भी रोना शुरू, तो लड़के के लिए मां कितना रोती है, कितना रोती है। पैसे के लिए लोग कितना रोते हैं, कितना रोते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं सब चीज के लिए हम लोग रोते हैं, स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसू की धारा बहाते हैं, आंसू नहीं बहाते, आंसू की धारा, ये तो सचमुच में हमने देखा है, आंसू की धारा। पति मर गए, पत्नी मर गई, खास करके जवान अवस्था में, या लड़का जवान था मर गई, मर गया, ओह हो क्या रोना, उसको देखना मुश्किल है, देख नहीं सकते, सिर पटक पटक कर रो रही है माँ, सिर पटक पटक कर रो, कितना रोती है पति, कितना रोता है स्त्री, कितना रोती है वो देख नहीं सकते हम लोग, इतना रोते हैं।
किसी का धन में नुकसान हो गया, कितना रोते हैं। सब श्री रामकृष्ण देव तो संसार में रहते हैं, सब जानते हैं। कहते हैं खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्रियां लड़के के लिए लोग आंसू की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मूर्ति है तभी ईश्वर मिलते हैं। इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन दे दिया कि दर्शन कब होंगे, ईश्वर के दर्शन कब होंगे? जब भगवान के प्रति प्यार आएगा, मां के प्रति प्यार आएगा। तो कैसा प्यार आएगा? तो मान लो एल लव प्यार आएगा। कितना प्यार होगा? वो एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। ये तीनों प्रकार के प्यार जो हैं, वो तीनों एकत्रित होकर के जितना प्यार होता है उतना प्यार यदि ईश्वर के लिए आएगा तो तुरंत दर्शन हो जाएंगे। तो कौन कौन से कहते हैं श्री रामकृष्ण? विषय पर विषय की, मतलब जो विषयी जो होता है, जिसको विषयों के प्रति बहुत आसक्ति है, उसका अपनी मोटर कार से कितनी आसक्ति रहती है। मकान मैंने 10 साल तक मकान बनवाया, बेस्ट मैंने उसमें मार्बल लगाया है, राजस्थान से पत्थर लाया था मैं, वो जो मकान के प्रति उसका अटैचमेंट है, लेटेस्ट मॉडल की कार के लिए अटैचमेंट है, जो ड्रेसेस के प्रति उसका अटैचमेंट है, और फिक्स डिपॉजिट के प्रति उसका जो अटैचमेंट है, उसने जो कमाई की उसके पैसे के प्रति उसकी जो उसका जो अटैचमेंट है, यह जो उसकी आसक्ति है, कितना प्यार है उसको अपने विषयों से, ये तो आप देख लेते हैं। रात को 12 बज गया, लाइट जल रही है, अरे भाई अभी तो सो जाओ, अरे अभी मेरा हिसाब नहीं मिला है आज का, कितना रुपया हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, रुपया गिनने के लिए ये याद भी नहीं कि आज खाना नहीं खाया है। पत्नी को याद दिलाना पड़ता है, अरे खाना तो खा लो, छोड़ छोड़ छोड़, पहले मेरे को गिनने दे रुपया कितना आया आज, गिनने। रुपयों के प्रति इतनी आसक्ति, पदार्थों के प्रति इतनी आसक्ति, तो ये विषय के विषयों के प्रति बहुत आसक्त रहती है। ये तो हमने देखा है, हम लोग खुद भी आसक्त रहते हैं और हमने अपने मित्रों को और हमने अपने संबंधियों को देखा है, किसी को ज्यादा रहती किसी को कम रहती, परंतु रहती है, ये तो हम लोग को मालूम है। कितनी आसक्ति रहती है कि उसको छूने नहीं देते, एकदम उसको छूना मत, ये मेरा टेबल है, उसको छूना मत, ये अलमेरा है, ये मेरा अलमेरा है, उसको छूना मत, यह जो उसका अटैचमेंट, ये तो हमको मालूम है। पुत्र पर माता की, ये तो हम लोगों ने सबने अनुभव किया है, माता ही जान सकती है कि पुत्र पर उसका कितना प्यार रहता है। पर कहते हैं कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कितना भी लड़का कितना भी खराब काम करेगा, मां बोलेगी अरे ठीक है बेचारे से गलती होगी, उसको छोड़ दो, जेल में जाएगी, मालूम है अपराधी है, सारी दुनिया उसको नफरत करती है, पर उसकी मां उसको खाना बना करके अपने अपराधी पुत्र को, चाहे मालूम है सारी दुनिया उस पर थूक रही है, पर मेरा लड़का है, कुछ भी हो मेरा लड़का है, वो मेरे अपने लड़के के लिए वो टिफिन ले जाएगी, अपने हाथ से बनाएगी। मां का ये जो प्यार है, ये प्यार अतुलनीय, ईश्वर के बाद दूसरा प्यार आता है मां का संतान के प्रति, यह मानो ईश्वर ने ही उसके हृदय में रख दिया है, मां का संतान के प्रति जो आकर्षण, जो प्यार। तो कहते हैं विषय पर विषय, विषय की जिस प्रकार से चाह होती है, जितना प्यार होता है, पुत्र पर माता का जो प्यार होता है, और पति पर सती का जो प्यार होता है, पति पर स्त्री का नहीं कहा, स्त्री का तो आजकल नहीं होता है, तो 1-2 साल के बाद तो डिवोर्स हो जाता है या डिवोर्स के लायक हो जाते हैं। अभी जब उस समय राजकोट में था मैं, तो उस समय बड़ौदा के लिए एक बार लेक्चर के लिए आया था, तो लेक्चर के बाद फिर बड़ौदा स्टेशन पर मैं खड़ा था, ट्रेन की राह देख रहा था, तो थोड़ी दूर पर एक हस्बैंड वाइफ, स्त्री और पुरुष खड़े थे, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों खड़े थे, पास पास खड़े थे,
पर पति एक तरफ देख रहा था, पत्नी दूसरी तरफ देख रही थी, दोनों अलग अलग मुंह करके देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पति ने बड़े धीरे से पूछा, अरे ये ट्रेन इतनी लेट क्यों हो रही होगी, बड़े धीरे से इतना ही पूछा। और पत्नी इतना जोर से धमक कर बोली, मैं क्या स्टेशन मास्टर हूं जो मुझे पूछते हो ट्रेन क्यों लेट आई। इतना जोर से बोले कि वो बेचारा पति 6 फीट दूर फेंका गया। ये पति और पत्नी डिवोर्स नहीं लिया है परंतु एकदम अलग। तो यह पत्नी का पति के प्रति प्रेम ऐसा नहीं कहा, श्री रामकृष्ण बहुत स्पेसिफिक है। एक सती स्त्री का पति के प्रति प्रेम, सती स्त्री माने जिसका पति के सिवाय एकदम पति में ओत प्रोत हो गई। जैसे हमारे उदाहरण आता है सीता सावित्री दमयंती, सीता ने रावण की तरफ मुख तक नहीं देखा, उसका मुख तक नहीं देखा, सिर घुमा लिया, केवल राम राम राम, उसके हृदय में राम की छवि अंकित है, मुख में केवल राम है और कोई नहीं, चाहे कुछ भी कितना भी प्रलोभन आए। सावित्री इतना प्यार है उसको अपने पति से, जब पता पड़ा कि उसको मालूम है उसके बाद मरने वाला है, फिर भी उसके साथ शादी की। और शादी करने के बाद जिस दिन मरने वाला है, पता लग गया कि आज मरने वाला है, तो बिल्कुल उसका साथ नहीं छोड़ा कि आज तो यमराज आएंगे। और फिर सचमुच में जब यमराज आए तो उसकी छोड़ ही नहीं रहे, उसको पकड़ के बैठी है उसके शव को। अरे बोले अब वो मर गया, दे दे मुझे, यमराज खुद आए। पहले तो यमदूत आए, फेल हो गए, बोले ये तो शरीर को छोड़ नहीं रही है, तो छोड़ेंगे तब तुम ले आएंगे, नहीं छोड़ी। यमराज खुद आ गए, नहीं छोड़े। बाद में उसको अभेदान दिया, उसको एक्सटेंशन दिया और यह पीछे पीछे जा रही है, उसको जब शरीर को लेके जा रही है तो फिर सावित्री पीछे पीछे जा रही है। अरे तेरी मृत्यु अभी नहीं आई है, तुझे पृथ्वी लोक में रहना है। बोले मैं तो, मेरा पति जहां जाऊंगा मैं जाऊंगा। अरे मैं तो यमराज यमलोक में जा रहा हूं, जहां भी आप जाएंगे मेरे पति के पीछे मुझे जाना है। तब यमराज प्रसन्न हो गए उसकी पतिव्रता, उसकी भक्ति देख करके, अच्छा ठीक है जा, उसको मैं जिंदा कर देता हूं और उसको वापस दिया। परंतु यह श्री रामकृष्ण देव कहते हैं एक सती स्त्री का पति के प्रति जो अद्भुत आकर्षण होता है, अद्भुत प्यार होता है, अत्यंत प्यार होता है, वो प्यार है। उसके ऊपर से यह हुआ L3 और L2 कौन सा, कि मां का संतान के प्रति प्यार, उतने से भी नहीं होगा। और L1 ये कैसा प्यार, जो विषयी लोग हैं, साधारण वर्ल्डली पीपल जो संसार से बहुत अटैच्ड है, उनको अपने पैसे के प्रति जो आकर्षण रहता है, अपने फिक्स डिपॉजिट जो आकर्षण होता है, अपनी कार से, अपने मकान से, अपनी वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण होता है, ये मानो L1 प्लस L2 प्लस L3 ये मिलकर के L बनता है। और इतना प्यार यदि ईश्वर के प्रति आए तब श्री रामकृष्ण कहते तब दर्शन हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, इतना प्यार तो सवाल ही नहीं है। हम लोग को तो बोलते हैं भाई इतनी क्या जरूरत है अभी भगवान की। हाँ प्यार वार क्या जरूरत नहीं, दर्शन वर्शन जरूरत नहीं है, बस हमारा जो हस्बैंड का ट्रांसफर कर दो, लड़के को वहां एडमिशन दिला दो तो हो गया। अभी तुम्हारा दर्शन, तुम भी अपना करो अपना, मैं भी अपना दर्शन करो, क्या झंझट है, नहीं है भीतर में, धीरे धीरे लाना पड़ेगा। पर श्री रामकृष्ण देव उपाय बताते हैं कि मनुष्य जन्म जब लिया है तो ईश्वर दर्शन ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। धीरे धीरे वो व्याकुलता लानी पड़ेगी, वो प्यार लाना पड़ेगा। बड़ा कठिन है, क्यों कठिन है, मां शारदा देवी से बात करते थे उनके शिष्य कि मां आप तो बोलती हैं ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, ईश्वर से प्यार करना चाहिए, तो ईश्वर के प्रति प्यार कैसे आएगा, हमने तो ईश्वर को देखा ही नहीं है। ईश्वर को देखेंगे, ईश्वर के पास से हम प्यार प्राप्त करेंगे तब तो प्यार होगा ना। हम जब किसी को देखते हैं, मुलाकात होती तब तो हमारा प्यार होता है, तो कैसे प्यार होगा। तो मां ने कहा हां बेटा तेरी बात तो सच है, हवा से क्या कोई प्यार कर सकता है, सच बात है। परंतु तो बोले अब कैसे होगा, तो स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर बात की। अच्छा देखो भाई, तुम लोग जो अप्लाई करते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो मालिक को देखते हो क्या, नहीं,
वो तो बिना मालिक को जानना पहचान एक एप्लीकेशन दे दिया, आई वॉन्ट टू सर्व इन योर कंपनी इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एप्लीकेशन तो कर सकते हो, आवेदन पत्र तो कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए करे ऐसा आवेदन पत्र, एक प्रार्थना, हे प्रभु हम तुमसे प्यार करना चाहते हैं, पता नहीं है कैसे क्या नहीं, एप्लीकेशन तो दे दो, शायद लग जाए जॉब, नौकरी लग जाए, तो यह एप्लीकेशन तो दे सकते हैं। और अभी आजकल तो इंटरनेट के द्वारा प्यार होता है, सवाल ही नहीं, बिना देखे ही होता है, बाद में पछताते हैं कुछ लोग, अरे वो तो इंटरनेट में तो ऐसा ऐसा बायोडाटा दिया था, और बाद में अमेरिका जाकर के पता लगा अरे कुछ नहीं है, नौकरी वोकरी कुछ नहीं, अब क्या करे, इधर से तो सब जो गहना वहना था सब उसको दे दिया, वो भी वो तो खत्म। ऐसा भी कभी कभी होता है, कुछ ऐसे सक्सेसफुल भी मैरिज होते हैं थ्रू इंटरनेट, और कैसे अनसक्सेसफुल भी बहुत सारे मिलते हैं, बाद में लोग रोते हैं इंटरनेट मैरिज। तो बिना देखे यह प्यार, कोई कोई प्यार करते हैं बिना देखे इंटरनेट के माध्यम से, परंतु जब तक हम मिलते नहीं, हमें प्यार नहीं मिलता, तब तक प्यार ईश्वर के प्रति लाना मुश्किल है, बात सच है। इसीलिए स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, बाबूराम महाराज भक्त लोगों को बहुत प्यार करते थे। कोई भी आया दोपहर को 2 बजे भी कोई आया बलूर मठ में, 11 बजे 11:15 बजे खाना हो गया, सब नौकर लोग चले गए, सब कुछ बंद हो गया, दोपहर को आए हैं स्वामी प्रेमानंद जी बाबूराम महाराज, खुद कोई भी नौकर नहीं, खुद उसी समय खिचड़ी बनाने लग गए, खाना बनाने लग गए, इतनी दूर से आए हैं, अच्छा बैठो बैठो प्रसाद लेके जाओ, नहीं नहीं आप इतना कष्ट मत कीजिए, इसमें क्या कष्ट है, ठीक है कोई नौकर नहीं मैं ही बना देता हूँ, इतनी सेवा करते थे। और सबसे आखिर में खाना खाते थे, सबसे आखिर में जब सबका खाना हो गया, और वही हमने देखा ट्रेडिशन अपनी नजर से देखा, प्रेमानंद जी महाराज को बहुत प्यार, प्रेमानंद जी महाराज बहुत प्यार करते थे भरत महाराज को, स्वामी अभयानंद जी महाराज को, उनको तो हमने देखा है कम से कम 25 साल तक हम लोगों ने उनको देखा, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, सारे लोगों ने सब पूरे बेलूर मठ ने खाना खा लिया, उनको पता लग गया कि जितने भक्त हैं उन्होंने सब खाना खा लिया, नौकर लोगों ने खाना खा लिया, प्रेसिडेंट महाराज ने खाना खा लिया, सब वाइस प्रेसिडेंट ने खाना खा लिया, सब खाना खाया, तब 2:30 या 2:45 बजे उनकी थाली लगती थी, ये तो हमने देखा है कितनी बार, यह भरत महाराज ने वो ट्रेडिशन रखी थी। तो बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बोलते थे, देखो हम लोगों ने तो रामकृष्ण देव के पास कितना प्यार पाया, उन्होंने अपने हाथ से में खिलाया, कितना प्यार किया, तब हमको रामकृष्ण के प्रति प्यार आया है, और तुम लोग तो कभी रामकृष्ण देव को देखे नहीं, ठाकुर को देखे नहीं, और फिर भी तुमको ठाकुर के प्रति इतनी भक्ति है, तो तुम्हारी भक्ति तो हमसे भी ज्यादा बढ़कर है, तुम तो हमसे भी बड़े भक्त हो, ये बाबूराम महाराज कहते। तो बिना देखे ही तुम्हारे में इतनी भक्ति, हम लोग तो देखे उनके प्यार को, हमने अनुभव किया, उन्होंने प्यार से हमको खिलाया, कितनी बार हम लोग को बुलवाया, कितनी बार हमको प्यार से कितने सारा किया, तब जाकर के हम इस प्रकार से ठाकुर को प्यार करते हैं। तुम लोगों ने ठाकुर का दर्शन भी नहीं किया, संस्पर्श की तो बात अलग है, उनके प्यार के संस्पर्श की बात अलग है, और फिर भी ठाकुर के प्रति तुम्हारे में भक्ति है, तो तुम हमसे भी बड़े महान भक्त हो। तो ये प्यार जो है ना, मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु हम जहां है हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ये श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र कहे जाते हैं, श्री रामकृष्ण, इसी स्वामी विवेकानंद कहते देखो आध्यात्मिकता में राखाल मुझसे भी बढ़कर है, क्यों, श्री रामकृष्ण की जो संपदा है आध्यात्मिक संपदा, वह मानो राखाल महाराज में दे दी, इनके मानस पुत्र, और श्री रामकृष्ण उनको इतना प्यार करते थे, जैसे नरेन को प्यार करते थे राखाल को भी प्यार करते थे। तो ये राखाल महाराज या राजा महाराज जिस कहा करते थे, ये आध्यात्मिकता के दिग्गज और रामकृष्ण मठ मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद रखना स्वामी विवेकानंद फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं बने, उन्होंने कोई खुद पावर पोजिशन नहीं लिया, सब कुछ उन्होंने बनाया, शुरू उन्होंने किया, पैसा उन्होंने अमेरिका से सब कुछ किया, जमीन खरीदी, परंतु ऑफिशियल प्रेसिडेंट उन्होंने ब्रह्मानंद जी महाराज को बनाया, खुद कोई पावर पोजिशन नहीं ली, और उन्होंने आने के साथ ही जैसे ही आए तो राजा महाराज को सब सौंप दिया। तो ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास एक दिन बोशी सेन गए, बोशी सेन ये रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े भक्त, जगदीश चंद्र बोस के रिलेटिव थे, बोशी सेन खुद भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहां अल्मोड़ा में विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रारंभ की थी सिस्टर निवेदिता के सहयोग से। ये बोशी सेन ये तो इतने घुलते मिलते थे
हमारे रामकृष्ण मठ मिशन सन्यासियों से बहुत फ्रीडम लेते थे, मजाक भी करते थे, और मानो उनका पूरा अधिकार था, कभी भी आते थे बेलू मठ में, कभी भी इसमें आते थे जहां राजा महाराज रहते थे। तो एक दिन बोशी सेन ने मजाक मजाक में कहा, अरे राजा तुम ही तो बड़ो क्लिप्टे, राजा महाराज तुम तो बहुत कंजूस हो। राजा महाराज तो आश्चर्यचकित हो कि मैं कंजूस, क्योंकि राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी तो हमेशा लुटाते थे, जो भी बातें आई, जो भी आया, मिठाई आया लुटा दिया, कपड़ा आया लुटा दिया, वो तो लुटाने में उनको आनंद आता था, हरी लूट करते थे, बहुत आनंद में रहते थे, हमेशा गान करवाते थे, भजन करवाते थे, सब लोग अपना बहुत सारी भेंट प्रदान करते थे। तो मैं कब से कंजूस हुआ, उन्होंने पूछा। अरे मैं वो कंजूस का बात नहीं कर रहा हूं, पैसे का। देखो तुम्हारे पास तो आध्यात्मिकता का खजाना है, तुम चाहो तो कितने लोगों को स्पर्श कर करके तुम उनको मुक्ति दे सकते हो, और तुम अपना ऐसे हो बैठ करके हो कितने लोगों को भगवान का दर्शन करा सकते हो, है, और अपने आध्यात्मिकता का दान करके उनको आध्यात्मिक भगवान का दर्शन करा सकते हो, इतना तुम्हारे में पावर है, और तुम अपना बैठे हो चुपचाप और सबको दे नहीं रहे हो। तो ब्रह्मानंद जी महाराज इतना सब मजाक हो रही थी, बहुत आनंद में थे, अचानक बहुत गंभीर हो गए। गंभीर होने के बाद फिर उन्होंने इतना ही कहा, के चाय, रोते हुए कहा, के चाय, कौन चाहता है, मैं तो देने को तैयार हूं, स्पर्श के द्वारा ईश्वर का दर्शन कराने को तैयार बैठा हूं, पर कोई नहीं चाहता। जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे, सबई कलाई दाल खरीददार, सभी उड़द दाल के खरीददार हैं, मतलब जो बाकी की चीजें हैं वो चीजें हमको संसार की चीजें चाहिए, हमें भगवान के पास से चाहिए, भगवान हमें नहीं चाहिए। भगवान चाहिए किस लिए, ताकि हमारी जो डिमांड है, लिस्ट है, पूरी हो जाए। तो यह जो सच्ची आध्यात्मिकता कि हमें ईश्वर से नहीं चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए, ऐसे भक्त बहुत कम मिलेंगे। क्यों, ये भीतर से व्याकुलता आते नहीं है, क्यों नहीं आते, प्यार नहीं है, प्यार क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो चीज हमने देखी नहीं उसके प्रति प्यार नहीं आता है। जब हमें प्यार का स्पर्श मिलता है तब हमारे भीतर प्यार आता है, पर किसी किसी को पूर्व जन्म के संस्कार से, ईश्वर की ही कृपा से, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया कि वो जो पुष्टि होती है, पुष्टि मार्ग है, वैष्णव जन्म में पुष्टि मार्ग है, वल्लभाचार्य संप्रदाय में यह मार्ग शुरू किया गया, उसका नाम है पुष्टि मार्ग। कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में भगवान ही भक्त को पुष्ट करते हैं, वो प्रेम वहां कहां से आएगा, तो भगवान ही भक्त में वो प्यार या भक्ति ला देते हैं, उस भक्ति से पर वो ईश्वर को प्यार करते हैं। पर प्यार लाना, ईश्वर के लिए प्यार लाना बहुत मुश्किल है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, बाबूराम महाराज उनका नाम था, एक बार मालदा गए थे, तो मालदा गए थे तो वहां फिर उनका भाषण रखा गया, तो भाषण रखा गया तब वहां पर उन्होंने कहा कि देखो स्वामी विवेकानंद ने आज के युग धर्म के अनुसार शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श दिया है, दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो, इस प्रकार गरीबों की सेवा करो, इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, उससे हमारा जीवन है वो धन्य हो जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने बात कही। तो जो वहां पर बैठे हुए थे, बात सुनने रे आए थे, उन्होंने फिर कहा, महाराज हम लोग तो आए थे कुछ भक्ति की बात सुनने के लिए, प्रेम की बात सुनने के लिए, और आप जो है तो कर्म की बात सुना रहे हैं, हमको तो भक्ति की बात सुननी है, आपके पास से प्यार प्रेम की बात सुननी है। फिर भी बाबूराम महाराज ने यही कहा कि देखो ये हमारा आज का युग धर्म है, सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, इस प्रकार से करो। जब दो तीन बार कहा गया तब बाबूराम महाराज बहुत सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। कौन चाहता है भक्ति, कौन चाहता है, आ जाओ, कोई चाहता है भक्ति, आ जाओ। उसके बाद में उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक फेरिया, फेरिया बोलते हैं जो चीज वस्तु ले जाता है बेचता है, घर घर जाता है बेचता है। तो एक इस प्रकार से वो वस्तु लेकर के जा रहा था और पुकारते जा रहा था, प्रेम चाहिए किसी को, प्रेम, प्रेम चाहिए, प्रेम, आ जाओ आ जाओ, जैसे बोलते हैं ना
सब्जी सब्जी सब्जी, नया सब्जी आया है, दूध आया है, दूध दूध दूध, पुकारता रहता है, बोलते सब्जी सब्जी सब्जी, सब्जी वाला सब्जी वाला। तो सब लोग आकर के सब्जी के पास, तो ये पुकार रहा था प्रेम प्रेम प्रेम, किसी को प्रेम चाहिए आ जाओ, अरे बहुत लोग आ गए। हाँ हमको प्यार चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। अच्छा आ जाओ, अरे कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना रुपया, हमको जल्दी से दो, हमको प्रेम चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम चाहिए। बोले भाई इसमें रुपया उपया नहीं चलता है, इसमें रुपया उपया नहीं, मेरे पास तराजू है, तुम्हारा सिर काट करके एक पलड़े पर रखूंगा, दूसरे पलड़े में प्रेम दूंगा, ये है इसकी कीमत। हरिनो मारग छे शुरानो नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वड़ती ले नाम जोने। गुजराती में एक बहुत अच्छा गीत है कि हरि का जो मार्ग है वो शूरवीरों का काम है, साधारण लोगों का काम नहीं है। पहले तो अपना सिर सिर निकालो, सिर को तराजू में दो, सिर को काट करके, और फिर बाद में प्रेम खरीदो। कोई सब भग गए, जहां ये सुना उन्होंने सोचा 10-15 रुपए 20-50 100 रुपए लेकर के अपना भक्ति ले लेंगे, भगवान का भक्ति नहीं। माथा साटे मोंगी वस्तु मड़वी नहीं सहल जोने, उस गीत में कहा माथा साटे मोंगी वस्तु, सिर के बदले में ये प्रेम मिलता है, मड़वी नहीं सहल जोने, ये सरलता से नहीं मिलता है। आपने कहा कि भाई 1 करोड़ का मैं चेक दे देता हूं, जरा थोड़ा मोड़ा को प्यार दे दो, प्रेम दे दो, भगवान की भक्ति 1 किलो दे दो, इसमें ये कुछ नहीं चलता है। यहां तो तराजू है, एक तरफ सिर काट के रखा जाएगा। सिर काट के रखने का मतलब होता है कि हमारा संपूर्ण नाश, हमारे भीतर में जो कुछ भी दूसरे प्रकार का प्रेम है, दूसरे प्रकार की आसक्ति है, संसार के प्रति आसक्ति, ये जब तक समाप्त नहीं होगी, पूरी के पूरी समाप्त नहीं होगी। ये सिर गला काटना उतना दर्द नहीं है, उतना दर्द नहीं देता, जितनी हमारे भीतर की जो आसक्तियां उसको काटना और भी दर्दनाक है। पर ये जब तक इस प्रकार से काट करके नहीं देते, तब तक भगवान का प्रेम असंभव है, ये उसकी प्राइस है। इसीलिए बहुत, इसीलिए माँ शारदा देवी ने कहा, गिरीश घोष ने कहा, एक भक्त ने माँ को कहा, माँ मुझे तो अहेतु की भक्ति चाहिए। तो माँ ने कहा, अरे अहेतु की भक्ति कोई सरल बात है? अहेतु की भक्ति मतलब बिना किसी स्वार्थ की भक्ति, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, अहेतु मुझे अहेतु की भक्ति, केवल प्रेम के लिए प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम? जैसा नारद भक्ति सूत्र में कहा, यथा व्रज गोपी का नाम, व्रज की गोपिया को जो प्यार था, प्रेम था, कि उनको किसी प्रकार की चाहना नहीं है कि हमको स्वर्ग में ले जाएंगे, ना वैकुंठ में जाएंगे, ना हमारे दुख दर्द कम हो जाएंगे, ना हमको शांति मिलेगी मन की, कुछ नहीं, बस वो कन्हैया से प्यार करते हैं और कुछ नहीं, और उसके लिए सब कुछ त्याग करने को, जितना भी दुख सहन करने को तैयार है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा, यथा व्रज गोपी का नाम। तो इस प्रकार की जो भक्ति है, इस प्रकार का प्रेम है, यह मिलना बहुत, माँ ने खुद ने कहा, अरे अहेतु की भक्ति सबको नहीं मिलती, बहुत विरले लोगों को यह अहेतु की भक्ति मिलती है, हाँ व्रज की गोपिकाओं को मिली थी, ये उनके पास ऐसी गोपिकाएं थी। तो प्रसंग आता है, एक बार नारद के मन में ऐसा अभिमान हो गया कि देखो मेरे जैसा तो भगवान का भक्त कोई है नहीं। तो उन्होंने जाकर के भगवान से कहा, अच्छा भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? मन में तो यही था कि भगवान बोलेंगे, अरे नारद तुम्हारे समान कोई भक्त है क्या? दिन रात तुम हरे नाम करके तीनों लोक में घूमते रहते हो, तो तुमसे बड़ा भक्त कौन है? ये सर्टिफिकेट उनको चाहिए था, ये सर्टिफिकेट के लिए गए थे। यहां भगवान ने दूसरी लीला की, अरे नारद अरे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पहले इस सिर के दर्द की दवाई कर, बाद में सब बात होगी। हाँ आपके सिर में दर्द, आपके लिए अभी मैं कौन सा डॉक्टर ढूंढ रही, ये सिर दर्द की दवाई? तो बोले इसकी दवाई कहाँ मिलेगी? बोले दवाई तो इसकी और कुछ नहीं है, इसमें कोई भक्त यदि अपनी चरण धूली यदि मेरे सिर पर लगाए तब जाकर के दर्द दूर होगा। नारद बोले ठीक है मैं देखता हूं। जहां कितने लोगों को बोला, अरे भाई ये भगवान को सिर दर्द हो रहा है तो क्या उसकी दवाई क्या है? बोले कोई ये भक्त अपनी धूली दे, चरण धूली, उसको सिर पे लगाना। अरे बेवकूफ हुए हो क्या? हमारे चरण की धूली भगवान के सिर पर? अरे सात नरक में भी हमारा वास नहीं होगा,
सात नरक में भी हम लोग का स्थान नहीं हुआ। नहीं, भगो भगो भगो। अब नारद को ये कभी इसके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं भी तो भक्त हूं, मेरी भी चरण धूली दे दूं, ये कभी नहीं आया, नहीं सोचा। और घूमते घूमते आया व्रज में, व्रज में आकर के गोपिकाओं का, क्यों नारद जी कैसे हैं, हमारे भगवान कैसे हैं वैकुंठ में? बोले भगवान तो ठीक है, पर अभी सिरदर्द है। भगवान को सिरदर्द है तो आप लोग दवाई क्यों नहीं करते? बोले दवाई तो अब उनकी बड़ी विचित्र दवाई, कवाई मिल नहीं रही है। बोले क्या दवाई है? बोले कोई भक्त अपनी चरण धूलि यदि भगवान के सिर पर दे दे तभी उनका दर्द रोगा। गोपिकाओं ने कहा तो अरे इतने रोना धोने की क्या बात है, लो जितनी धूलि ले जाओ ले जाओ, हमारी धूलि ले जाओ जाकर के सिर। अरे पर तुमको मालूम है ये भगवान के सिर पर लगने वाली है, साथ नरक में भी तुम्हारा स्थान। अरे अभी अभी बातचीत बंद करो, मेरे भगवान वहां पर सिर दर्द से करा रहे हैं और तुम यहां बकबक कर जाओ, पहले दौड़ो, पहले मेरे भगवान मेरे प्रियतम का दुख दर्द करो, पहले उनका सिर दर्द हो रहा है उसको दूर करो, भागो जाओ चलो। सात नरक नहीं, हम लोग हजारों नरक में जाने को तैयार है, पर हमारे प्रियतम को कोई दुख ना हो, हमारे प्रियतम को कोई दुख ना हो। ये व्रज गोपी का नाम, यथा व्रज गोपी का नाम, इस प्रकार का प्रेम, अहेतुक प्रेम। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान के पास से कोई कामना नहीं है, यहां तक कि भगवान हमें यदि नरक में भी देने दे दे, हजारों नरक में भी डाले, पर हमको तो भगवान, बस हमको भगवान को प्यार करना है, हमारे भगवान आनंद में रहे, हमारे भगवान की हमारी सेवा रहे। इस प्रकार का प्रेम जिसको अहेतुक प्रेम बोलते हैं, यह बहुत कठिन है, परंतु जीवन का उद्देश्य है इसी प्रेम को पाना, इसी भक्ति को पाना। ये भक्ति श्री रामकृष्ण कहेंगे, बार बार हमको समझाएंगे ठीक से। दो प्रकार की भक्ति है, स्वामी विवेकानंद भक्ति योग में कहते हैं दो प्रकार की भक्ति है, एक पराभक्ति एक अपराभक्ति। तो पराभक्ति की बात अभी कह दी, पराभक्ति जैसी भक्ति मीराबाई की थी, जैसी भक्ति नरसिंह मेहता की थी, जैसी भक्ति गोपिकाओं की थी, व्रज गोपिकाओं की थी, ऐसी भक्ति पाना बड़ा मुश्किल है, इसको पराभक्ति बोलते हैं। तो हम लोग के पास पराभक्ति नहीं है, पराभक्ति प्राप्त करने की हमारे पास अभी योग्यता नहीं है, तो हम क्या करें? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं निराश मत हो, अपरा भक्ति है, गौणी भक्ति है, गौणी भक्ति हम कर सकते हैं। गौणी भक्ति क्या है? गौणी भक्ति में, अपरा भक्ति में बाह्य अनुष्ठान रहते हैं, हम ईश्वर को माल्या अर्पण करते हैं ऐसा समझ करके, इस फोटो में भी भगवान है, इस मूर्ति में भी भगवान है, ऐसा आरोप करते हैं, हे प्रभु हम प्यार से आपको ये मिठाई दे रहे हैं, आप मिठाई ग्रहण कीजिए, आपका प्रसाद हम लेंगे। इस प्रकार से बार बार प्रार्थना करते करते, हे प्रभु तुम्हारे चरणों में भक्ति दो, हे प्रभु तुम्हारे चरणों में भक्ति दो, हे प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख शांति है, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से है, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से, इस प्रकार से बोलते 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 धीरे 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 यह गौणी भक्ति पहले आती है। गौणी भक्ति का मतलब होता है कि जहां बाह्य दिखावा है, कि जहां हम भगवान को धूप दीप दिया, नैवेद्य दिया, उनकी पूजा की, नाम संकीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, करते 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 यह धीरे धीरे यह प्रेम प्रस्फुटित होता है हृदय में, और जब एक बार यह प्रस्फुटित होता है वो बढ़ते जाता है। जैसा मीराबाई कहती है, मेरो मन राम ही राम रटेरे, कोटिक पाप कटेरे, और फिर कहते दिन दिन बढ़ सवायो, वो जितना मैं भगवान का नाम लेती हूं मेरे भीतर का जो प्यार है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, दिन दुगना चार चौगुना बढ़ रहा है प्यार। कैसे बढ़ रहा है? भगवान का नाम लेते लेते। तो भगवान का नाम का जप, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, भगवान के प्रति निवेदन, भगवान की प्रार्थना स्तुति, ये सब विभिन्न उपाय हैं जिसके द्वारा धीरे धीरे हम ईश्वर के प्रति, पहले तो गौणी भक्ति अपरा भक्ति ये प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम पराभक्ति को प्यार कर सकते, पराभक्ति को प्राप्त कर सकते। तो एक दो दिन की बात नहीं है, पर यहां श्री रामकृष्ण देव ने मानो हमारे इस युग के लिए एक रास्ता हमको बता दिया कि देखो भाई तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं, एक पैर खड़े रहने की जरूरत नहीं, आहार छोड़ने की बात नहीं, कितने उपवास दूसरे दूसरे धर्मों में देखिए, यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति की तो बात अलग रही, अरे कुछ छोटी सी भी बात चाहिए
सिद्धि चाहिए तो उसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने दिनों तक उपवास, उसमें ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, किसी के पानी भी नहीं पी सकते, और एक पैर में खड़े रहो, कितने प्रकार की तपस्या, कितने प्रकार के कष्ट झेलना पड़ता है। पर श्री राम कृष्ण देव ने कोई बात ऐसे नहीं की कि इसकी प्री रिक्विजिट है कि यदि आपको भगवान के प्रति भगवान का दर्शन करने के लिए इतना सारा करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट कट इतना ही बताया, जिस दिन भगवान को पाने की सचमुच में इच्छा होगी उसी दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक ही बात, चाहिए क्या तो मिल जाएंगे, चाहिए कौन कहता नहीं चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए। हम यदि विश्लेषण करें हमारे हृदय का तो हमें ईश्वर नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, बाद में कभी ऐसी स्थिति आएगी जब हमको चाहिए। क्यों? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को यदि सचमुच में किसी व्यक्ति किसी वस्तु के बिना वह नहीं रह सकता इस प्रकार की अनुभूति हो तो उसको वस्तु मिलेगी मिलेगी। यदि सचमुच में ऐसी स्थिति आ गई कि वह उस वस्तु के बिना तड़प रहा है तो उसको वस्तु मिलने ही वाली है, संसार का नियम है, उसको मिल ही जाएगी। पर ईश्वर के लिए यदि कोई तड़पता है तो ईश्वर मिल ही जाएंगे, पर वो तड़पन आती नहीं है हमारे भीतर में, यही बात है। पर ये स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि तड़पन नहीं है इसका मतलब क्या है, ये कैसे हम जाने विश्लेषण करने से, तो स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अच्छा देखो, यदि एक चोर है, एक चोर आया वहां पर घर में आया और जाकर के छुप गया क्योंकि देख लिया था लाइट में, छुप गया। अब पति पत्नी के बीच बात हो रही है, अरे भाई, अरे कल वो 5 करोड़ रुपए का वो जो ब्लैक का लिया था ना, ब्लैक का पैसा वो रिश्वत के रूप में टेबल के नीचे से लाया था तो पास के कमरे में पड़ा हुआ है, उसको कल जाकर के जल्दी से स्विस बैंक में भेज देना, स्विट्जरलैंड के बैंक में, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, कभी इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं, कुछ ठीक नहीं है। अब ये बात चोर ने सुन ली, अब चोर को नींद आ सकती क्या? चोर को जब पता लग गया पास के रूम में 5 करोड़ रुपया है नगद, बोले चोर को नींद नहीं आ सकती, यदि उसको नींद नहीं आती तो चोर नहीं है। उसी प्रकार से साक्षात ईश्वर हमको दर्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसी बात यदि हमें पता लग गई और ईश्वर दर्शन ही हमारे जीवन का उद्देश्य यदि हमको सचमुच में दिल में रह गया तो क्या हमको नींद आ सकती है? नींद आ रही है इसका मतलब है अभी फल पकने में देर है, बहुत देर है। श्री रामकृष्ण को जिस प्रकार से व्याकुलता हुई थी, और ये रामकृष्ण जो भी बात करते हैं, ये हमने पहले भी कहा, इसके पहले रुपए की जब बात कही, त्याग की बात कही, तो उनके जीवन के संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण के साथ ये बात है, ऑथेंटिसिटी है, जो भी वे बात बोलते हैं हम उनके जीवन से मिला सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा पैसे का त्याग करना चाहिए, तो उनके जीवन में देखिए, उन्होंने खुद ने पैसे का त्याग किया था इसलिए वो बोल सकते हैं। अभी यहां व्याकुलते की बात बोल रहे हैं तो हम श्री रामकृष्ण के जीवन का दर्शन करें, उनका जीवन वृतांत देखें, किस प्रकार से कितने दिन ऐसे गए, कितने महीने ऐसे गए और कितने साल ऐसे गए, 2 साल 2.5 साल रामकृष्ण देव प्रतिदिन संध्या आरती होती है और वहां पर पंचवटी के नीचे गंगा नदी के किनारे पर रेत पर अपना सिर रगड़ रहे हैं, अरे मां मेरे जीवन का एक दिन और बीत गया, एक संध्या और उतर आई, पर तूने मुझे दर्शन नहीं दिया, क्या इसी प्रकार से मेरे सारे दिन चले जाएंगे? मां तू मुझे दर्शन दे, मां तू मुझे दर्शन दे। लुहान हो जाते हैं, सिर से खून बहता है, चेहरे से खून बहता है, रोज एक दिन नहीं दो दिन नहीं, कितने दिन तक इस प्रकार से उन्होंने व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना की और फिर एक दिन क्लाइमेक्स में आ गए, पूजा कर रहे हैं, अचानक उनके मन में घोर वितृष्णा आई, अरे इस शरीर को रख करके क्या फायदा, मां का जब दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, यही तो जीवन का उद्देश्य है, तब जीवित रख करके लाभ क्या है? और इसलिए तुरंत पागल के समान वो तलवार उठा लेते हैं, मां के हाथ में है, लेकर के बस अपने सिर पर मारने वाले हैं कि मां ने दर्शन दे दिया, मां 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 कहते कहते वे सच्चिदानंद सागर की मानो जो बहुत प्रकार की वेव्स आई एक के बाद एक उसमें खो जाते हैं।
सच्चिदानंद की सागर में खो जाते हैं। बहुत देर तक वो समाधि अवस्था में रहे और फिर आनंद में हमेशा, उसके बाद हमेशा आनंद में। यह मानो एक फेज खत्म हो गया, मां का दर्शन हुआ, अब मां 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 इतना आनंद है उनको। क्यों? अब सचमुच में उनको मां के दर्शन हो गए। और फिर मां को बोलते, मां तूने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे बहुत आनंद है, पर मां मेरी और एक प्रार्थना है, तूने मुझे दर्शन तो दिया, बहुत अच्छा किया, पर मां तू मेरे साथ खेल, तू मेरे साथ रह, मेरे साथ खेल कर, मेरे साथ बातचीत कर। क्यों? ये मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है, सब मुझे समझते हैं, अरे ये छोटा पुजारी तो पागल हो गया है, मुझे पागल समझ करके सब मुझ पर हंसते हैं, मेरे साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, मां तू मेरे साथ खेल कर, मां तू मेरे साथ बातचीत कर। अद्भुत। और कहते हैं मां बातचीत करती है, लंबे लंबे केश आती है मां, उनके साथ बातचीत करती है, उनके साथ खेल करती है। यह अद्भुत, ये रामकृष्ण का जीवन देखने से ऐसा लगे मानो ड्रामा देख रहे हैं, सिनेमा की बात है कि सचमुच। परंतु स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं, रामकृष्ण लीला प्रसंग में, तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, इस किताब पुस्तक में एक भी बात ऐसी नहीं लिखी जिसकी कि ऑथर ने, लेखक ने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया। केवल वेरिफिकेशन नहीं, क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब होता है यदि किसी बात हमने सुनी है तो किस प्रकार से सुनी, उसका पूरा वृतांत उन्होंने लिया। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब होता है उसने यदि एक पात्र आया, उसने बताया कि उस समय कौन था, बोले हृदयराम था, तो फिर हृदयराम से पूछा सचमुच में ऐसा हुआ, दोनों बात मिलाई और सचमुच में दोनों वृतांत ठीक है, इसको बोलते क्रॉस वेरिफिकेशन। तो स्वामी शारदानंद जी ने कहा कि मैंने लीला प्रसंग में जो कुछ भी वर्णन किया है वो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ऑथेंटिक, ये बात कही। अभी अभी ये लीला हुई, 150-200 साल भी नहीं हुए, 200 साल भी नहीं हुए, 1855 में रानी रासमणि ने वो लेबोरेटरी का निर्माण किया, दक्षिणेश्वर का मंदिर वो लेबोरेटरी था जिसमें श्री रामकृष्ण ने एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद एक्सपेरिमेंट किए। और कहते हैं मां तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया, तूने कमलाकांत को दर्शन दिया, तो मां मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तू मुझे दर्शन नहीं देगी, इस प्रकार से व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करते हैं और उन्हें सचमुच में मां के दर्शन होते हैं। तो अपनी अनुभूति के बल पर यहां श्री रामकृष्ण बोलते हैं यदि कोई व्याकुलता पूर्वक रो दे तो मां उसको दर्शन देगी। क्यों? मैंने दर्शन किया। उन्होंने खुद ने व्याकुलता किया और तो कुछ नहीं किया, बोले मेरे तो कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने खुद ने मां को कहा मां मैं तो गवार हूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो मुझे तू धोखाबाजी मत मेरे साथ करना, मुझे कौन समझाएगा, मैं ये भी नहीं जानता तुझे कैसे पुकारना चाहिए, मैं ये भी नहीं जानता तेरी पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो गवार हूं, मैं अनपढ़ हूं, तू ही मुझे बता दे कि तुझे किस प्रकार से पुकारना चाहिए, कैसे तेरे पास आना चाहिए, तू ही मुझे बता दे। तो यह श्री राम कृष्ण देव ने मानो अपने जीवन के द्वारा, केवल उपदेश के द्वारा नहीं, यह प्रदर्शित किया कि ईश्वर के प्रति प्रेम लाना यही जीवन का उद्देश्य है। और यह प्रेम कब आएगा, इस ईश्वर का प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, तो इक्वेशन दिया L=L1+L2+L3। मतलब जितना प्यार एक माता को संतान के प्रति होता है, जितना प्यार एक सती स्त्री को, एक फेथफुल वाइफ को अपने हस्बैंड के प्रति होता है, डेडिकेटेड, सती स्त्री माने नॉट ओनली फेथफुल बट डेडिकेटेड, सीता सावित्री दमयंती के समान डेडिकेटेड, ऐसा प्यार जो हो पति के प्रति, ऐसा प्यार, और विषय का विषय के प्रति प्यार, वो तो हम लोग जानते हैं, हमारे नजर के सामने कितने लोग हैं जो पैसे के पीछे पागल, पागल माने पागल ही पागल है, उनको ये भी पता नहीं उनकी हेल्थ खत्म हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया भाई ये थर्ड हार्ट अटैक आने वाला है, अब तो तू दौड़ धूप बंद कर, बस अब मेरी वो न्यूयॉर्क की मेरी ऑफिस सेटअप हो जाएगी, उसके बाद मैं रेस्ट लेने वाला हूं जैसे डॉक्टर ने कहा, वो तब तक वो थर्ड हार्ट अटैक आके खत्म हो गया, समाप्त। कितनी बार डॉक्टर ने कहा भाई अब बंद करो, बीपी भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, अब तो उठापटक बंद करो, नहीं ये जो लालसा, लालसा और चाहिए और चाहिए, विषय का विषय के प्रति जो प्रेम, ये तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, ये तीनों प्रकार का प्रेम एक साथ हो तब जाकर के वह ईश्वर का प्रेम आए, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो बड़ा मुश्किल है, पर वो जैसा मैंने कहा परा भक्ति मुश्किल होगी, अपरा भक्ति हम लोग कर सकते हैं, अपरा भक्ति का आचरण करते करते धीरे धीरे पराभक्ति को हम अग्रसर होंगे।
श्री रामकृष्ण अन्यत्र उदाहरण देते हैं, जैसे एक उदाहरण दिया बच्चे का, बच्चा जब मां के लिए पुकारता है, छटपट करता है, वो देखा होगा, हम लोग देखते हैं ना कभी कभी छोटे बच्चे एकदम मम्मी जाओ मम्मी जाए मम्मी जो है बस मम्मी 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 इतना जोर से फुल वॉइस में जब रोता है वो देखने लायक होता है, कितनी व्याकुलता होती है उसको मां के पास जाने की, और कुछ भी आप देख करके देख दीजिए फट करके फेंक देता है, एक खिलौना दिया उसको फेंक दिया, चाहे कितना भी कॉस्टली होगा फेंक दिया, मुझे मम्मी चाहिए मुझे मम्मी चाहिए, दूध दो चॉकलेट दो उसकी फेवरेट आइटम दो सब, अब उसके बाद उसको एक ही चाहिए मम्मी और कुछ नहीं, तब मम्मी को कहीं से भी उसको आकर के गोद में लेना ही पड़ता है। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से, तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे अमेरिका में, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, तो वो जो बेलू मठ में आया करते थे तो हम लोग उनके पास रात को सत्संग में जाया करते थे, तो इसी प्रकार की जब बात चली तो श्रद्धानंद जी ने महाराज ने बताया कि हम लोगों को अखंडानंद जी महाराज ने एक्टिंग करके बताया। क्या एक्टिंग करके बताया? श्री रामकृष्ण देव ने अखंडानंद जी महाराज को समझाया, देख किस प्रकार की व्याकुलता होने से मां के दर्शन होते हैं। तो रामकृष्ण देव ने क्या किया, वहां अपने कमरे में अखंडानंद जी महाराज और कोई नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, कमरे बंद करके और फिर एकदम रोना शुरू किया जोर से, मां मुझे दर्शन दे मां मुझे दर्शन मां दे, और छोटा बच्चा जैसा रहता है ना वो फिर बाद में यहां नहीं बैठता है, वो कहीं नहीं बैठता, एकदम फर्श पर हो जाता है और अपने हाथ पैर ऐसा पछाड़ता है, ऐसा हाथ पैर मां मां दर्शन दे। उस प्रकार से रामकृष्ण देव ने एक्टिंग करके बताया, और यही एक्टिंग बोलते हैं अखंडानंद जी महाराज ने करके दिखाई श्रद्धानंद को, श्रद्धानंद जी ने हमको दिखाई कैसा हाथ पैर छोड़ करके एकदम दूर दूर जैसे छोटा बच्चा मां मुझे मां चाहिए मुझे मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए एकदम से सब पूरा व्याकुलता पूर्वक जो करता है, ऐसी व्याकुलता आएगी तो मां रह नहीं सकती, आना ही पड़ेगा, मां को दर्शन देना ही पड़ेगा, पर ये व्याकुलता नहीं आती। दूसरा भी उदाहरण श्री रामकृष्ण अन्यत्र देंगे, गुरु और शिष्य, शिष्य बोले मुझे गुरु गुरुजी मुझे दर्शन चाहिए, बोले हाँ होगा बाद में नहीं होगा, अर्जेंसी क्या है, नहीं 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 जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं अभी तुमको अर्जेंसी नहीं है, जब अर्जेंसी आएगी जब तुम्हें आवश्यकता, जब सचमुच में तुम्हें, नहीं नहीं मुझे तो सचमुच में भगवान के दर्शन की बहुत लालसा है, अच्छा ठीक है तब तो दर्शन हो जाएंगे, चलो पहले गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान कर रहे थे, अचानक गुरु ने क्या किया, शिष्य का सिर लेकर के डुबो दिया और उसको ऊपर नहीं आने दे रहे, उसका सिर पकड़ करके नीचे रख दिया, ऊपर आने को करा उसे नीचे रख दिया, बाद में दो तीन मिनट बाद उसको छोड़ा, एकदम से सांस लेने लग गया, फिर गुरु बोले क्यों कैसा लग रहा था, अरे भाई क्या किया आपने, एक सांस में तो लग रहा था कब मेरी सांस चली जाएगी, एक सांस के लिए मेरी ऐसी व्याकुलता थी एक सांस मुझे मिल जाए, बोले बस ऐसी व्याकुलता रहेगी कि अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब नहीं रह पाऊंगा, मुझे सांस चाहिए, ऐसा वो जो लास्ट सांस के लिए जो जितना व्याकुलता पर छटपट कर रहे थे, ऐसी छटपटाहट जब भगवान के दर्शन के लिए आएगी उसी क्षण भगवान के दर्शन, फिर एक क्षण का फिर तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, तब उसके बाद कोई प्रतीक्षा की बात नहीं, पर वैसी छटपटाहट वैसी व्याकुलता हमारी आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? जैसे मैंने बताया कि पराभक्ति हमारे लिए पहुंच के बाहर है, तो हमें पहले अपराभक्ति से शुरू करना पड़ेगा। प्रेम योग में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि देखो प्रेम के बिना तो कोई रह नहीं सकता, हर एक के दिल में ऐसा होता है कि मैं प्यार लू और प्यार लू, और हम लोग कभी भी सीमित प्यार से हम लोग को शांति नहीं मिलेगी, अभी हमको लगता है कि सीमित प्यार किसी का मिल जाए तो बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा,
परंतु नहीं होगा। जब मिलेगा तब लगेगा कि नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। असीम प्रेम जब तक नहीं मिलता है, अनंत प्रेम जब तक नहीं मिलता है, तब तक हमारे दिल में जो अनंत प्रेम की जो लालसा है वो पूरी नहीं होगी, तब तक हमें संतोष नहीं होगा, तब तक हमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं होगा। और सबके हृदय में इस प्रकार से ईश्वर के प्रति प्यार की छटपटाहट है, पर हमने दिशा बदल दी है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देयर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज विच आर चेंजिंग ऑल द टाइम एंड देयर मूड्स आर ऑल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम। दो सीमित व्यक्ति जो कभी भी मर सकते हैं, दोनों मरने वाले, आज नहीं तो कल, दोनों नॉट ओनली मरने वाले हैं, दोनों खत्म होने वाले हैं, दे आर इम्परमानेंट। इतना ही नहीं, एवर चेंजिंग, प्रतिक्षण उनका शरीर चेंज हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रतिक्षण उनका मन चेंज हो रहा है, प्रतिक्षण उनके भीतर में जो प्यार है वो चेंज हो रहा है, प्रतिक्षण उनके भीतर के विचार चेंज हो रहे हैं, और प्रतिक्षण उनका मूड चेंज हो रहा है। ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में देयर कैन नेवर बी एन इटर्नल लव। जब तक इटर्नल लव नहीं आएगा, इमोर्टल लव नहीं आएगा। इमोर्टल लव कैन नेवर बी बिटवीन टू मॉर्टल्स, इन्फिनिट लव कैन नेवर बी बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज, एंड इन इटर्नल लव कैन नॉट बी बिटवीन टू नॉन लास्टिंग और शॉर्ट लास्टिंग रियलिटीज। ये बाद में हमें अभी पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे प्यार धीरे धीरे पता लगेगा। तो फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्हाट शुड वी डू, शुड वी स्टॉप लविंग ऑल? नो, उन्होंने कहा, वी ट्राई टू सी द डिवाइन इन अदर्स, ट्राई टू सी द सेम गॉड इन अदर्स, एंड ग्रेजुअली ट्राई टू रिप्लेस द ह्यूमन लव बाय द डिवाइन लव। यही एकमात्र सॉल्यूशन हमारे लिए है जो हम लोग संसार में रहते हैं, और इस प्रकार से धीरे 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 डिवाइन लव को, उस ईश्वरीय प्रेम को कल्टीवेट करना पड़ेगा, पहले अपराभक्ति के द्वारा, और कल्टीवेट करते करते जब पराभक्ति आएगी तब हम लोगों को वो छटपटाहट आएगी कि हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, हमें ईश्वर चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और किसी भी प्रकार का अच्छा से अच्छा खिलौना आएगा उसको हम फेंक देंगे, अच्छी से अच्छी चॉकलेट, अच्छी से अच्छी मिठाई सब फेंक देंगे, केवल माँ चाहिए मुझे, माँ माँ जाऊ छे, मम्मी जाऊ छे, पूरा बोल भी नहीं सकता है, मम्मी जाऊ छे, मम्मी के पास जाना ऐसा नहीं बोलता, मम्मी जाऊ छे, मम्मी नहीं पास जाऊ छे, हमने मम्मी जाऊ छे, मम्मी जाना है, मम्मी के पास जाना ऐसा नहीं बोलता, मम्मी मम्मी मम्मी, बस एक ही बात, माँ 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 के पास जाना। तो इस प्रकार की व्याकुलता जब आएगी, श्री रामकृष्ण कहते हैं बस, उसके बाद वो लालिमा आ गई, उसके बाद सूर्योदय होने में देर नहीं है। तो कहते हैं बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए, विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की, और पति पर सती की जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। फिर ईश्वर रह नहीं सकते, ईश्वर फिर रह नहीं सकते। जैसे श्री रामकृष्ण के भीतर में वो प्यार आया, मां काली को दर्शन देना ही पड़ा। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए, बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके मां को पुकारता भर है, उसकी मां जहां उसे रखती है वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्यू म्यू करता है और कुछ नहीं जानता, मां चाहे जहां रहे म्यू म्यू सुनकर आ जाती है। कितना बड़ी, कितनी बढ़िया बात, ये हम सब के लिए मानो बहुत बड़ी आशा की वाणी श्री रामकृष्ण कहते हैं। दो प्रकार के भक्तों की बात कहते हैं, और अन्यत्र श्री रामकृष्ण कहेंगे दो प्रकार के साधक होते हैं, कुछ होते हैं बंदरिया के बच्चे के समान, कुछ होते हैं बिल्ली के बच्चे के समान। तो बंदरिया का बच्चा क्या करता है, यहां पर बहुत बंदर आते हैं पीछे में, बहुत एक साथ झुंड में आ जाते हैं, और वहां दो तीन जाड़ है, एक डाल पर से हुप करके फिर छलांग लगाते, फिर हुप करके छलांग लगाते, और जो छोटे छोटे बंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मां से चिपक जाते हैं, ऐसा जोर से चिपकते हैं कि लगता है कि वो बंदर और बंदरिया और बच्चा अलग नहीं है, मानो एक ही है पूरा, इतना जोर से चिपकते रहते हैं, चिपक जाते हैं, और बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर
छलांग लगाती है और जो छोटा बच्चा एकदम पकड़े रहता है। यदि उसने छोड़ा, उसकी पकड़ छूटी तो खत्म, नीचे गिर जाएगा। पर श्री रामकृष्ण कहते हैं बिल्ली का जो बच्चा रहता है वो क्या करता है, बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है, वो केवल म्याऊं म्याऊं करता है। जैसे म्याऊं म्याऊं किया, बिल्ली भी है हमारे यहां, बिल्ली भी दो तीन रात को ही आती है वो लोग, और वो ऐसा म्याऊं म्याऊं भी करती है। ये सब यहां पर उदाहरण यही आश्रम में मिल जाएगा। तो ये जो बिल्ली है छोटा बच्चा, वो केवल म्याऊं म्याऊं करता और कुछ नहीं करता। तो बिल्ली क्या करती है, जब उसने म्याऊं म्याऊं सुना तो उसको गले से पकड़ती है, वो पकड़ती है, बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता, बिल्ली उसको गले से ऐसा पकड़ती, मुंह में दबा देती है उसको, मुंह से दबा करके उसको एक जगह से दूसरी जगह सेफ जगह पर रह जाती। जब देखा कि कुत्ते आने वाले हैं, दूसरी यहां पर आ रहे हैं, कोई डर भय का स्थान है, तो उसको जाकर के सेफ जगह में रख करके आ जाती है, पकड़ करके, मुंह से पकड़ करके। हमको तो कभी कभी डर भी लगता है, ऐसा पकड़ा है जोर से कहीं उसको खून ना निकल जाए, इतना हम लोग को डर लगता, पर नहीं, वो जानती कैसे पकड़ना, कैसे बराबर पकड़ करके, मुंह में पकड़ करके जा करके सेफ जगह पर रख दिया। वही उसके लिए खाना भी लाती है। बिल्ली का बच्चे का कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो पकड़ेगा बिल्ली का बच्चा मां को, और यदि उसने छूट गया तो गिर गया, जैसे बंदरे का बच्चा, वो गिरने की संभावना है, बिल्ली के बच्चे की संभावना है ही नहीं। क्यों, वो उसको कुछ नहीं कर रहा, वो अपना मस्ती में है, बिल्ली खुद उसको पकड़ती है और उसको दूसरी जगह ले जाती है। तो रामकृष्ण देव कहते हैं हमको दूसरे प्रकार का साधक बनना है। बहुत सरल उपाय बता दिया, शरणागति का मार्ग, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जो कराना है तुम हमसे करा लो, जो कुछ भी तुमको प्राप्त करने के लिए साधना कराना है वो भी तुम ही करा लो, तुम ही हमको पकड़ो गले से पकड़ करके।